हाँ जी सत श्री अकाल दोस्तों, आखिर अमरीका च बाइडन ने करता यह वड्डा ऐलान। खबर शुरू करन तो पहला जिन्होंने चैनल सबसक्राइब नहीं किया चैनल सबसक्राइब कर लो, उसके वीडियो नू वध तो वध लाइक अते शेयर भी कर दियो। अमरीका दे विच इस समय एक नवी लहर चल रही है। यह लहर करोना वायरस की नहीं सगों देश के दे अंदर नवे बने राष्ट्रपति वालों चलाई गई है। दरअसल बीते साल छियालवें राष्ट्रपति दे लई करवाईआं गईआं चोणां नू जित के डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जोए बाइडन ने वड्डी लीड दे नाल राष्ट्रपति का पद हासिल किया, जिस दे लई उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार साबका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप नूं हराया सी। मौजूदा राष्ट्रपति जोए बाइडन ने चोणां तो पहला अमरीका के लोगों नाल कुछ वादे किए सन, जिन्हां दे विच साबका राष्ट्रपति ट्रंप वालों जारी की गई देश विरोधी नीतियां नूं खत्म करना भी एक सी। इस दे तहत कार्रवाई करते हुए जोए बाइडन ने कुछ उन्हां कार्यकारी आदेशों नूं रद्द कर दिता जो साबका राष्ट्रपति ट्रंप वालों जारी की गई सन, जिन्हां दे विच दक्षण दी अमरीका मैक्सीको सरहद ते परिवार नूं एक दूजे तो अलग किया गया सी। ट्रंप वालों जारी किए गए इन्हां देशों नूं जोए बाइडन वालों तुरंत प्रभावी हुक्मां दे नाल तहत रद्द किया गया। बाइडन वालों दिता गया यह आदेश विछड़े परिवारों नूं एक करम दे लई बहुत महत्वपूर्ण आदेश है। इन्हां देशों उपर दस्त करते हुए जोए बाइडन ने डोनल्ड ट्रंप वालों जारी किए गए अते जनता विरोधी आदेशों की निंदा करते हुए आख्या कि साबका प्रशासन वालों किए गए अनैतिक अते देश लई शर्मनाक आदेशों नूं असी वापस लै रहे हाँ। इस काम नूं साडे वालों पहल दे आधार ते किया जा रहा है तां उस समय विछड़े हुए बच्चे अपने माँ बाप अते परिवार नूं मिल सकन, क्योंकि यह बच्चे अते उन्हां दे परिवार इस समय हिरासत विच हन जो हुण एक दूजे नूं मिल सकणगे। इस दौरान राष्ट्रपति जोए बाइडन वालों जारी किए गए आदेशों विच दूसरा आदेश दक्षणी सरम ते प्रवास दे मूल कारण दे संबंध विच सी अते तीजा कार्यकारी दे साबका ट्रंप सरकार दीआं इमीग्रेशन नीतियां दी सीमता करना सी। वीडियो अंत तक वेखने तो बहुत बहुत धन्यवाद।